चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। आपसे क्या बोला? आपसे बोला है कि आपको लेंथ निकालनी है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, किससे? फ्रॉम पॉइंट पी टू दैट प्लेन। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेन होगा, उसमें पॉइंट पी है 7, 14, 5 से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? क्यू पे गिरेगा। ये चीज़ है, पर क्यों जनरल पॉइंट भी तो है प्लेन का। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हम ये जानते हैं कि पी क्यू जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। बोलो हाँ, है ना? ठीक है, क्या मैं ये मान सकता हूँ फिर कि पी क्यू के डी आरस और नॉर्मल के डी आर सेम होंगे? ठीक है, तो डी आरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डी आरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो डी आर सेम होंगे, बराबर नहीं होंगे बच्चे। ये दोनों की इक्वेशन सेम नहीं होगी, डी आर सेम होंगे बस। तो डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ये रहे 2, 4, -1। ठीक है, कितने हैं? इस 2, 4, -1। एंड सिंस पी क्यू, क्यू कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है प्लेन में, है ना, कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट इन प्लेन। ठीक है, एंड सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एन वेक्टर, देयर फोर डी आर ऑफ पी क्यू, पी क्यू के डी आर कितने आए? वही आए जो नॉर्मल के हैं, कितने? 2, 4, -1। ठीक है, नाउ पासिंग पॉइंट ऑफ पी क्यू, पासिंग पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का पासिंग पॉइंट क्या है? भैया वो पास शुरुआत में किसे करेगा? पी से, फिर क्यू पे घुसेगा, तो 7, 14, 5 है, 7, 14, 5। ठीक है, तो अगर पासिंग पॉइंट और डी आर पता हो किसी भी लाइन के लिए, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसकी इक्वेशन देखिए क्या निकलेगी। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की इक्वेशन क्या निकली? देखो, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट कौन है? ये डी आर है बच्चों, ये नीचे आएंगे। पहले ही लिख लिया करो, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो इससे पहले पहले ही लिख लो। तो वाई माइनस समथिंग बाई डी आर कितने? 4। जेड माइनस समथिंग, माइनस माइनस होगा प्लस, बट अभी क्या करना बाद में करेंगे, है ना। जेड माइनस समथिंग बाई -1 पहले लिख दिया। ठीक है, कन्फ्यूज जी आ जाओगे इसलिए पहले लिख दिया, है ना। 2, 4, -1। पासिंग पॉइंट क्या है? 7, 14, 5, ये हो गया। ठीक है, नाउ इसी को आप किसके बराबर ले लो? थोड़ा मैं एन वेक्टर इधर बनाता हूँ, इसी को आप के बराबर ले लो। ठीक है, तो आप पे जनरल पॉइंट क्यू आ जाएगा, जनरल पॉइंट क्यू। ठीक है, किसमें? ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, है ना, ऑफ लाइन एंड प्लेन दोनों का, है ना, यह है। और वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, जनरल पॉइंट क्यू ऑफ लाइन एंड प्लेन, या अभी तो लाइन का है ना, एंड ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ़ क्या आ जाएंगे? जल्दी से देखो, यहीं से जनरल पॉइंट बनेंगे, क्या बनेंगे? एक्स का निकालना है 2k+7, 2k+7, वाई का निकालना है 4k+14, 4k+, यही होता है बेटा एग्ज़ाम के टाइम, सोचते कुछ और ही, लिखते कुछ और ही, 4k+14। जेड का -k+5, -k+5। ठीक है, हम पे क्यू आ गया, ये लाई करेगा प्लेन में भी, दिख रहा है आपको डायग्राम में कि ये प्लेन के अंदर है, लाइन का भी है, प्लेन का भी है, लाइन का परपेंडिकुलर भी है फुट ऑफ वाला, तो प्लेन में लाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन ये रही, 2 लिखा, एक्स, एक्स कितना है ये रहा 2k+7, फिर लिखा 4, फिर लिखा वाई, वाई कितना है ये रहा 4k+14, फिर लिखा माइनस जेड, जेड कितना है -k+5, -k+5 कितने के बराबर? 2k। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4k+14 16k, 14 4 जा 56, प्लस का k, माइनस का 5, बराबर 2k। सॉल्व करेंगे, देखिए 4k, 16 4 20, 20 और 1 21k। ठीक है, 14 56, 5 और 1 6 70, 56 4 60 70, 70 और ये 65, है ना, 70 65, और वहाँ जाएगा तो माइनस का 63 बन रहा है, ये बना लेते हैं माइनस का 63, 21 3 जा 63, के की वैल्यू -3 आ गई। लेट मी चेक, के की वैल्यू -3 है नहीं है? अगर इन्होंने ऐसा करा होगा तो देख सकते हैं, के की वैल्यू -3 है। जनरल पॉइंट क्यू निकाल लेते हैं, ये से क्यू के पॉइंट आगे -3 डालो,
तो -3 × 2 कितना, -6, 7 - 6 कितना, 1, -3, 4 × -3, -12, 14 - 12, 2, k की वैल्यू -3, -3, माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 8, 1, 2, 8, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया, यही q हमारे क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब तीन चीज़ें निकालनी है, 6 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स मिल गए। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम P टू Q, Q इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन और द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन और द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो PQ निकालेंगे, ठीक है, रूट Q कितना है, 1, 2, 8 है, ठीक है, PQ, Q फाइनल है 1 - 7, सीधा लिख दो बच्चों, 1 - 7 कितना, 6 का स्क्वायर, 2 - 14 माइनस का 12 का स्क्वायर, 8 - 5 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 का 144, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 6 = 45, 144 और 45 189 तो कुछ होता ही नहीं है, 189, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, हाँ इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, है ना, और क्या कर सकते हैं, तो इसे बना सकते हैं 3√21 यूनिट्स, और क्या होगा, 9√3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√21 यूनिट्स, बोलो हाँ है ना, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें बोला इमेज बनाओ किसकी, पी पॉइंट की, ठीक है, इसका मतलब ये जो प्लेन जो है मिरर का काम करेगा, ठीक है, और क्यू जो मिड पॉइंट है, तो थोड़ा मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो लेंथ पता चल गई, क्यू पता चल गया, हाँ सब चीज़ पता चल गई। अब देखो क्या है, आपसे बोला यह है प्लेन, यह है पी पॉइंट, कितने ऊपर, 7, 14, 5, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है क्यू, यह है क्यू, क्यू कितना है, 1, 2, 8, ठीक है, और नीचे बनेगा इमेज, ठीक है, ये मिरर का काम करेगा, M1, M2, ये ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट है, Q मिरर पॉइंट है, और पीछे एक नीचे इमेज बन जाएगी पी क्यू आर, आर को बोल दो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, पी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पी क्या है, ऑब्जेक्ट है, आर क्या है, इमेज पॉइंट है, और क्यू क्या है, मिरर पॉइंट है, तो आपको पता है मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, देखो क्यू है मिड पॉइंट, कितना है इसका कोऑर्डिनेट, 1, बट अगर यहाँ से निकाले तो x1 + x2 / 2, मतलब 7 + α/2, क्लियर है, ठीक है, मिड पॉइंट क्या है, 2, ये बनेगा ऊपर से 14 + β/2, 14 + β/2, इसके बाद आगे मिड पॉइंट है 8, किससे बनेगा, 5 + γ/2, 5 + γ/2, सॉल्व करो मिड पॉइंट निकालो, तो देखो 2, 7 + α, अल्फा के लिए 2 - 7 - 5, ठीक है, 2 × 4, 4 = 14 + β, बीटा की वैल्यू 4 - 14, माइनस का 10, इसका 8 × 2 = 16, 16 आ गया 5 + γ, 16 × 5 = 11, 11 की वैल्यू आ गई गामा के बराबर, तो मिड पॉइंट कितना आया, मिड पॉइंट किसका, या सॉरी इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज ऑफ पॉइंट पी कितनी है, आर है, अल्फा बीटा गामा के बराबर है, -5 - 10 और 11, -5 - 10 और 11, यह 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तीनों चीज़ें निकालना, क्वेश्चन ठीक से पढ़े करो, भूल मत जाए करो, ठीक है, -5 - 10 और 11, शाबाश, क्लियर, शाबाश, चलो एक ये भी करना खुद, चलो खुद करना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1, 2, 3 इन प्लेन x + 2y + 4z = 38, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भैया, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट मानना है, ये प्लेन होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, बस उसका दुगना, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये चीज़ मिड पॉइंट होगी, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट है,
आंसर निकाल लेना, सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा, बस पहले के क्वेश्चन में पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ निकालनी थी, फिर इमेज निकालना था, यहाँ इमेज है डायरेक्ट निकालनी है, डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें ही निकलेगी। ठीक है, आंसर है बच्चे इसका, आंसर आना चाहिए आपका 3611, 3611। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 7 यूनिट के डिस्टेंस में है, एंड जिसका नॉर्मल वेक्टर जो है वो है 3i + 5j माइनस का 6k, ये आपको करना है। नेक्स्ट है देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन x - 2y + 2z इज इक्वल टू 6। चौथा, फाइंड डीसीज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, फाइंड डीसीज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन है 3x - 6y + 2z इज इक्वल टू 7। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना, वेक्टर इक्वेशन है r.3i + 5j - 9k, r.3i + 5j - 9k इज इक्वल टू 8। ये नेक्स्ट, फाइंड वेक्टर इक्वेशन जिसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, आपको पता है कैसे निकलता है, सब बता रखा है, 5x - 7y + 2z + 4 = 0k। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i - 3j - 5k। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर होगी प्लेन के तो नॉर्मल जो होगा प्लेन का वो इसके पैरेलल होगा, प्लेन है r.6i - 3j + 5k + 2 = 0। यह है ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट नॉर्मल्स टू द प्लेन्स, नॉर्मल्स टू द प्लेन्स, प्लेन्स है 4x + 11y + 2z + 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y + 5 इज इक्वल टू 8 आर परपेंडिकुलर। तो आपको पता है इसके नॉर्मल हैं 4, 11, 2, इसके नॉर्मल है 3, इसका मतलब डी आर से 4, 11, 2 इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर से 4, 11, 2 इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर से 3 - 2, 5। आप डी आर के प्रोडक्ट का सम देखना, अगर डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए -1, -5, -10 फ्रॉम
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, समझ गए ना, लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और प्लेन का उसका ए से डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन कराया आज ऐसे ही। आर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये तो लाइन है एंड प्लेन, प्लेन है आर डॉट, कार्टिजन बना लेने यार इसकी कोई दिक्कत नहीं है, i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5, ये ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 माइनस 3 कॉमा 2 फ्रॉम प्लेन x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1, मेजर्ड पैरेलल टू लाइन x प्लस 1/3 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z बाय 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड लेंथ एंड फुट ऑफ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ ओ पी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है, लेंथ निकालना फ्रॉम पॉइंट है पी 3, 2, 1 टू प्लेन, प्लेन है 2x - y + z + 1 इज इक्वल टू 0, इमेज पॉइंट भी निकालना है ना, इमेज पॉइंट भी निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई है बढ़िया क्वेश्चन, चलो एक अलग करना खुद, बढ़िया क्वेश्चन है। अ वेक्टर एन कैप ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स मेक्स 45 degree, 60 degree एंड एक्यूट एंगल थीटा ठीक है, विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली ठीक है। एक वेक्टर है, आप बना सकते हो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ठीक है, एल एम एन ठीक है, वहीं से वेक्टर बनाना। अब इफ़ प्लेन पासिस थ्रू अगर कोई प्लेन है वो पास कर रहा है कहाँ से, √2, -1, 1 और वही प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, एन वेक्टर के, समझे, एन वेक्टर खुद क्या है 45-60 एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब एक प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करेगा और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, प्लेन अगर खुद परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, आज नॉर्मल को बड़ा एन बोल देना क्योंकि छोटा एन रिजर्व हो चुका है, तो बड़ा एन पैरेलल होगा इसके, डी आर सेम हो जाएंगे, डी आर डी सी के प्रोपोर्शनल होते हैं ठीक है। तो आपके डी आर कैसे आएंगे, यहाँ से डी सी बनेंगे ना, तो उनका मैग्नीट्यूड ले लेना वहाँ से ठीक है। तो फाइंड प्लेन इक्वेशन इन वेक्टर, तो कैसे भी निकालो प्लेन की इक्वेशन निकाल लेना वेक्टर या कार्टिजन में, जैसे भी आपको निकालनी है। अभी क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, आंसर है आर डॉट √2i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आना चाहिए ठीक है, आर डॉट √2i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आना चाहिए ठीक है। देन इसके बाद बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। चलिए थैंक यू, बाकी बाद में देखेंगे, इतना देख लीजिए आप लोग।